देर रात ग्राम भिटारी के जितेंद्र धाकड़ के मकान में अचानक आग लगने से घर में रखा पैसा और सामान जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में दो बालक भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंद्रगढ़ में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में दोनों बच्चों का इलाज जारी है। शनिवार की रात घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखे करीब 2 लाख रुपये जलकर खाक हो गए। आग में घर का पूरा सामान भी जल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर का सामान निकलने का मौका नहीं मिला। वही घर में सो रहे दो बालक भी जब तक घर से निकल पाते तब तक दोनों ही आग में घिर गए और उनके दोनों पैर भी जल गए। सूचना मिलते ही इंद्रगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों संजीव खटीक, प्रेम वाल्मीकि, जितेंद्र कुशवाहा, राजा वंशकार ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग बुझाई। ग्रामीणों ने बताया कि देखते देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा होने से आग बुझाने में परेशानी आ रही थी और आग बहुत तेजी से फैल रही थी। समय रहते इंद्रगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक आग से घर का सामान और घर में रखे करीब 2 लाख रुपये जलकर खाक हो गए। किसान जितेंद्र धाकड़ ने आग से जली रुपयों की गड्डी दिखाते हुए बताया कि फसल बेचकर आए थे, पैसा घर पर रख लिया था, जो देनदारियां है उन्हें चुकता कर दे, लेकिन आग लगने से सब कुछ जल गया। अब घर में ना सामान बचा और ना पैसा और ना ही रोज उपयोग के कपड़े आदि, सब कुछ आग में जल गया। आग लगने से उनके दोनों बेटे कृष्ण धाकड़ और जैन धाकड़ भी जल गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला जांच में लिया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।